इधर देखिए ये बिगन बेलिया कितनी सारे मल्टी कलर मिक्स करके हमने लगाए हैं। ये मेरी ताइवान वैरायटी का गावा अमरूद है। ये देखिए अभी इतना छोटा है, इधर फ्लावरिंग हो रही है। अंदर जो अमरूद लगा हुआ था जब छोटा था तो ब्लैक था, ये अब ये पक गया है और ये येलो हो गया है। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूं। द मुगल्स हेवन के माध्यम से आप लोगों से बात कर रहा हूं। दोस्तों मौसम चेंज हो रहा है और सर्दियां आने वाली हैं। मौसम में काफ़ी गिरावट हो चुकी है, लगभग 35 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है और कुछ ही दिन में काफ़ी ठंड पड़ने लगेगी और अडेनियम जो हैं वो डोरमेंसी में जाने लगेंगे। अभी तो लगभग एक डेढ़ महीना तक इसकी फ्लावरिंग होगी और क्योंकि कुछ में बड्स आ रहे हैं, कुछ में खिलने लगे हैं फ्लावर। ये देखिए कितना खूबसूरत फूल अभी खिल लिया है, अभी पूरा खिला नहीं है और ये लगभग मुरझाने लगे हैं इधर। और ये देखिए इधर ये हमारे कटिंग के अंदर भी काफ़ी फूल आ गए हैं। और ये बेबी अडेनियम भी सारे बड्स जो हैं काफ़ी बड़े बड़े होके और ये खिलने के लिए तैयार हैं। मुश्किल से 4-6 दिन 8 दिन में ये खिल जाएंगे। दोस्तों अडेनियम पे जितना काम होना था वो सब हो चुका है और अब आगे कोई काम होगा, बीच में निकला तो उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। अब आज से हम अपनी जो है वो टॉपिक चेंज करके और फ्लावरिंग पर ध्यान देंगे क्योंकि अब फ्लावरिंग बहुत अच्छी शुरू हो गई है। इधर देखिए ये बिगन बेलिया कितनी बेहतरीन बिगन बेलिया हमारी खिलनी शुरू हुई है, बहुत ही प्यारी खिल रही है बिगन बेलिया। सारे मल्टी कलर मिक्स करके हमने लगाए हैं। अभी ये लाल शुरू हुआ है, ये रेड रंग है और ये पीछे इसके ऑरेंज और फिर इसके बाद में ये आता है गुलाबी। ये छोटे पैटर्न में है, इसका एक नीचे खिला हुआ है, ये छोटे पैटर्न में है। और ये मजंटा, ये डॉर्च वैरायटी का है। ये देखिए टॉर्च का बड़ी वैरायटी है, ये टॉर्च की बड़ी वैरायटी है और इसका कलर बहुत ही खूबसूरत है। टॉर्च बिगनवेलिया से भी इसका खूबसूरत फूल है और रंग बहुत चटक है इसका। ये देखिए ये छोटी टॉर्च वैरायटी की है, ये हमने बोनसाई इसका बनाया हुआ है। और ये हमारी इधर जो है वो ग्राफ्टेड, ये ग्राफ्टेड बिगनवेलिया है। इसमें अभी दो कलर खिले हैं और तीसरा ये रेड खिलने जा रहा है और वाइट अभी शुरू हो गया। वाइट में भी वाइट इसकी कलियां, इसमें वाइट भी है। इसमें 7 कलर हैं लगभग हमारी बिगनवेलिया में। ये मल्टी कलर में हमने ग्राफ्ट किए थी और उसके बाद में एक डॉर्फ वैरायटी ये लगी हुई है, ये भी बहुत अच्छी खूबसूरत है। और इधर मेरी ये पर्पल खिल रही है तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये हमारी वेरीग्रेडेड बिगनवेलिया है और ये इधर वाइट आ गई। उसके बाद में हमारा ये बोनसाई बिगनवेलिया का एक है, बहुत ही खूबसूरत खिलता है। अभी और भरेंगे इसके अंदर फूल, शुरुआत हुई है अभी। तो दोस्तों आज खास तौर से जो वीडियो बना रहा हूँ वो मैं अमरूद के ऊपर, गुआवा के ऊपर बना रहा हूँ। ये मेरी ताइवान वैरायटी का गुआवा अमरूद है और ये देखिए पकने सा लगा है, अब ये इसका कलर चेंज हो गया है। और इसमें ये जो वैरायटी है इसमें हर वक्त कुछ ना कुछ, यानी ये देखिए ये वाला अमरूद, ये गुआवा पक रहा है। और दूसरा ये देखिए अभी इतना छोटा है और इधर फ्लावरिंग हो रही है, ये देखिए इधर फ्लावरिंग हो रही है। तो इसमें हर वक्त
फ्लावरिंग होती रहती है और हर वक्त फल इसमें पकते रहते हैं। और ये जो हमारा ब्लैक वाला अमरूद है गुआवा, ये भी ताइवान वैरायटी है। और इसके अंदर जो अमरूद लगा हुआ था जब शुरू में, जब छोटा था तो ब्लैक था ये, अब ये पक गया है और ये येलो हो गया है। क्योंकि पहली बार हम इसको देख रहे हैं अपने यहीं गार्डन में, इसलिए मुझे नहीं पता था कि ये पकने के बाद में येलो हो जाएगा। तो आज मैं इसकी, ये पक चुका है बिल्कुल, आज मैं इसकी हार्वेस्टिंग कर लेता हूँ। ये लगभग पक चुका है, ये देखिए। पक गया है ये, और इस वाले में अभी थोड़ा टाइम है, अभी ये 4-5 रोज लेगा, बस 4-5 रोज में ये पक जाएगा। और ये हमारे नींबू हैं दोस्तों, ये भी देखिए पक गए हैं, तो इनकी भी मैं हार्वेस्टिंग करूँगा। ये देखिए ये बिल्कुल पक चुके हैं, पकने के बाद में ये मुलायम पड़ जाते हैं। आप इसको छू के देखिए, जो मुलायम होगा उसको ही तोड़ लीजिए आप। ये देखिए इस तरीके से काफ़ी तादाद में लगे हुए हैं। अभी मुझे ये, मैं 3 नींबू तोड़ लेता हूँ और बाकी के जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर तोड़ लूँगा, क्योंकि अभी ये फुल तरीके से पके भी नहीं हैं, लेकिन 3 की ज़रूरत घर में पड़ सकती है, इसलिए मैंने ये हार्वेस्ट कर लिए हैं। तो दोस्तों इसका कलर चेंज हो गया, ये पीला हो गया इधर से, और इधर से ये लाल सा है, देखिए बिल्कुल सुरख है लाल। और इसको देखते हैं काट के ये अंदर से कैसा निकलेगा, और फिर इसका टेस्ट भी चेक करेंगे। ये बिल्कुल पक चुका है एकदम, अब ये अंदर से देखेंगे। ओहो दोस्तों अंदर से भी लाल निकला है, ये देखिए बहुत ही प्यारा, बहुत खूबसूरत, जबरदस्त। अब इसको खा के देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। बहुत ही प्यारा है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, मीठा है बहुत। इसके सीड थोड़े से निकाल लेता हूं, इसके सीड ग्रो कर देंगे। बहुत प्यारा है, सीड ग्रो करेंगे भाई, बहुत मीठा है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।